पपलप्रीत को गिरफ्तार कर लिया गया है। पंजाब के डीजीपी ने एनडीटीवी से इस बात की पुष्टि की है। अमृतपाल का सबसे करीबी साथी है पपलप्रीत, जिसे पकड़ने में कामयाबी मिली। जालंधर से भागने के बाद अमृतपाल के साथ लगातार बना हुआ था पपलप्रीत। जालंधर से फरारी के बाद से लगातार पपलप्रीत अमृतपाल के साथ था। होशियारपुर में दोनों ने अलग अग रास्ते ले लिए थे। स्पेशल सेल और पंजाब पुलिस का ये ज्वाइंट ऑपरेशन था, तो एक बड़ी कामयाबी पंजाब पुलिस के लिए। मुकेश सिंह सेंगर हैं हमारे साथ इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए। मुकेश, एक बड़ी कामयाबी, लेकिन अमृतपाल अब भी पहुंच से दूर। देखिए बिल्कुल, पंजाब पुलिस के लिए एक बड़ी कामयाबी जरूर है। हालांकि जिस तरह से अमृतपाल फरार चल रहा है, उसको लेकर पंजाब पुलिस लगातार निशाने पर है, और ये बात सामने आ रही कि कहीं ना कहीं पंजाब पुलिस के तमाम जो अफसर हैं, उनमें से कुछ लोग अमृतपाल से मिले हुए हैं, और ये भी सामने बात सामने आ रही है कि उसको लोकल सपोर्ट है, इसीलिए वो 18 मार्च के बाद से लगातार फरार चल रहा है और उसकी उसको पुलिस पकड़ नहीं पा रही है। लेकिन एक बड़ी कामयाबी जरूर मिली है कि अमृतपाल का जो सबसे करीबी साथी है पपलप्रीत, उसे पंजाब पुलिस ने होशियारपुर से गिरफ्तार कर लिया है, और ये गिरफ्तारी जो है कुछ देर पहले हुई है। दरअसल जो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल है, वो पंजाब पुलिस के साथ अमृतपाल जो वारिस पंजाब का चीफ है, उसको पकड़ने के लिए लगातार एक कैंपेन चला रही थी। और जब ये बात सामने आई कि अमृतपाल दिल्ली भी आया था, तो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने यहाँ पर जाकर कई लोगों से पूछताछ की थी, और उसके मूवमेंट को लगातार दिल्ली पुलिस भी चेक कर रही थी। इसी बीच जानकारी ये मिली कि जो पपलप्रीत है वो होशियारपुर में ही है, तो दिल्ली पुलिस ने जो अपना इनपुट है वो पंजाब पुलिस से साझा किया, और फिर पंजाब पुलिस ने पपलप्रीत को होशियारपुर से गिरफ्तार कर लिया है। उससे अभी पूछताछ जारी है। वो बारिस पंजाब दे का जो सबसे बड़े चेहरे हैं उनमें से एक है, क्योंकि 18 मार्च को जब जालंधर से अमृतपाल भागा था, तो उसके साथ एक ही शख्स था, और वो था पपलप्रीत। जालंधर से फिर ये लोग पटियाला गए, पटियाला से फिर कुरुक्षेत्र गए, कुरुक्षेत्र से दिल्ली आए, और दिल्ली में रमेश पार्क में रुके। उसके बाद ये लोग लखीमपुर खीरी गए, और लखीमपुर खीरी से वापस दिल्ली होते हुए ये होशियारपुर पहुंचे। होशियारपुर में पंजाब पुलिस ने इनकी गाड़ी का पीछा किया, लेकिन गाड़ी खड़ी करने के बाद ये लोग एक खेत में बाउंड्री वॉल कूद कर खेत में दाखिल हो गए, और खेत से फिर रात के अंधेरे का फायदा उठाकर वहां से निकल गए। उसके बाद अमृतपाल के दो वीडियो सामने आए, जिसमें वो तमाम जो सिख संगठन है उनको इकट्ठा होने के लिए कह रहा है। तो अब पपलप्रीत से गिरफ्तार होने के बाद हो सकता है कि पंजाब पुलिस को अमृतपाल के बारे में कोई ठोस जानकारी मिल पाए कि आखिर वो कहां छुपा हुआ है। जी शारिक, मुकेश, होशियारपुर से ही ये दोनों अलग अलग हुए थे, जो खबर आपने दिखाई थी आज, वो होशियारपुर में ही पकड़ा गया। क्या वहां लौटा या वहीं बना हुआ था, क्या इसके बारे में कोई जानकारी है? देखिए, अभी तक ये जानकारी नहीं है कि क्या होशियारपुर से भागने के बाद दोनों होशियारपुर से बाहर निकल गए थे, लेकिन ये जानकारी जरूर मिली थी कि अमृतपाल ने पपलप्रीत को वहां से अलग कर दिया था, और वो कहीं और जाकर छुप गया था, जबकि पपलप्रीत कहीं और छुपा हुआ था। इसके बाद पंजाब पुलिस ने इनोवा के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया था। इसी इनोवा में सवार होकर दोनों होशियारपुर पहुंचे थे, लेकिन पपलप्रीत और अमृतपाल के बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं मिल पा रही थी। तो फिर पपलप्रीत की जो लोकेशन है और जो सोर्सेस है पंजाब पुलिस और दिल्ली पुलिस के, उनके बेसिस पर अब पपलप्रीत को गिरफ्तार किया गया है। अगर आप पूरे रूट को देखें, जब ये लोग जालंधर से भागे थे और जहां जहां गए वहां वहां की लगातार जो सीसीटीवी तस्वीरें आ रही थी, उसमें दोनों ही आरोपियों ने अपना हुलिया बदला हुआ था, और हर तस्वीर में आपको अमृतपाल के साथ पपलप्रीत नजर आएगा। तो वारिस पंजाब दे के जो दो बड़े चेहरे हैं, उसमें जो उसका चीफ है अमृतपाल और उसका साथी पपलप्रीत, इनकी तस्वीरें लगातार सामने आ रही थी। लेकिन जब पुलिस वहां तक पहुंची थी, तो ये उस लोकेशन से आगे काफी दूर जा चुके होते थे। अब बड़ी कामयाबी मिली है पंजाब पुलिस को कि उसने पपलप्रीत को गिरफ्तार कर लिया है, और पपलप्रीत से ये पूछताछ चल रही है कि आखिर अमृतपाल कहां है। शुक्रिया मुकेश इस अपडेट के लिए। तो पुलिस के लिए एक बड़ी कामयाबी, लेकिन अब भी अमृतपाल पुलिस की पकड़ से दूर।